ग्रहण कीजिए पंडित रामकृष्ण। अरे वो क्या है? क्या है? कहाँ? अब नहीं, अब मुझे उधर लगा कि कुछ है। अरे हाँ, वो वानर होगा। प्रातः भी एक वानर था, उसने हम पर आक्रमण कर दिया। ओह, और वो ले गया। क्या ले गया? वो उसने वो हमारी खानदानी धोती कर फाड़ दी। लंगोट तो सुरक्षित है ना गुरुवर? एक ही है जो हमने धारण किया हुआ है। अच्छा छोड़िए, ग्रहण कीजिए। हाँ रसम। प्रतीत होता है रामा, आज गुरुवर अनुवाद करने में तेरी सहायता नहीं कर पाएंगे। मुझे भी यही प्रतीत होता है बंधु। चल चल यहां से निकल, भाग यहां से, भाग। यहां निशुल्क फल नहीं मिलता, जा भाग। वृक्ष के ऊपर से फल खा, चल भाग यहां से। अरे महोदय, इस बेजुबान को क्या पता कि फल मोल लिए जाते हैं। इसे तो यही ज्ञात है ना कि ईश्वर ने सभी के लिए निशुल्क फल उगाए हैं। अब वहीं रहना, नीचे मत आना। अरे क्षण भर में सभी फल कहाँ लुप्त हो गए? रामा, तेरे घर से स्वर्ण पात्र की चोरी, गुरुवर के वस्त्रों की चोरी और अब इस फल वालों के समस्त फलों की चोरी। प्रतीत होता है विजयनगर में कोई अत्यंत ही शातिर चोर प्रवेश कर गया है। हाँ बंधु, मुझे भी यही प्रतीत होता है, किंतु इतनी तीव्र गति से कौन चोरी कर सकता है? कहाँ गए मेरी मिठाइयाँ? कहाँ गए? मैं वानरों को भगाने क्या गया? किसी ने मेरे संपूर्ण मिष्ठान ही चुरा लिए। हे ईश्वर, मेरी दुकान के सारे पुष्प कहाँ चले गए? ईश्वर, मेरी दुकान से कोई वस्त्र चुरा कर ले गया। कौन है? किसने किया ये सब? मंत्रोच्चारण की दीक्षा दे रहे हैं। मंत्रोच्चारण? परंतु आपके कंठ को क्या हुआ है स्वामी? हमें अभ्यास कर रहे हैं। आप तीनों ये कैसा अभ्यास कर रहे हैं? आओ, अब घर देखो। सकुशल है जी स्वामी, सही से अभ्यास कर रहे हैं। विश्वास हो गया? विश्वास? हाँ स्वामी, पर अविश्वास तो असंभव है। धन्यवाद, जाइए, हमें
अभ्यास करना है, अभ्यास जी, अभ्यास। गुरुजी नहीं, गुरुजी नहीं, गुरुजी नहीं, गुरुजी नहीं, गुरुजी हमें मीट वाला रसम पिलाने का साहस किसने किया? नहीं, 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 गुरुजी वो हमारी त्रुटि नहीं थी, हमें क्षमा कर दीजिए गुरुजी, क्षमा कर दीजिए। हे मूर्खों, ऐसी छोटी बच्ची थी उसमें भी अहम गिरा दिया, अब हमें खानदानी धोती पहनकर फटी धोती पहनकर दरबार जाना होगा। गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत, धोती उतारिए, धोती उतारिए, धोती अभी धो देंगे, अच्छे से धोएंगे, धोती धोती गुरुजी। मत मारिए गुरुजी, मत मारिए। अच्छा, ये धोती उतारेंगे तो आरी आती नगर कोतवाल, हमने सुना है हमारे नगर में बहुत सी चोरियां हो रही हैं। मुझे ज्ञात नहीं। आपको ज्ञात नहीं है? मंत्री, मैं सो रहा था, सिपाही ने जगाया और मैं सीधे यहाँ चला आया। कोतवाल, यहाँ नगर में इतनी चोरियां हो रही हैं और आप शांति से सो रहे हैं? सो रहा था? नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था। आपने सो रहा था सुना क्या? जी नहीं नहीं मंत्री, मैं सोच रहा था, परंतु महाराज का आदेश था, सो सीधे राजमहल चला आया। आग में मुझे कुछ भीड़ दिखी, मैंने सोचा जांच पड़ताल करूं, लेकिन तत्काल राजमहल पहुंचना था, सो सीधे यहाँ चला आया। देखो नगर कोतवाल, ये हम आपको अंतिम चुनाव। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, आपने हमको अति शीघ्र बुलाया, कोई विशेष प्रयोजन? जी महामंत्री, महारानी चिन्ना देवी के मैके से अमूल्य धरोहर लेकर एक सैन्य टुकड़ी आ रही है। हम चाहते हैं कि आप सीमा तक जाएं और ससम्मान उन्हें राजमहल तक लेकर आएं। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। धन्यवाद। कोतवाल चलो। जी मंत्री। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण दोनों ही अनुपस्थित हैं। महाराज, महाराज आ गए, आ गए। प्रणाम महाराज। पंडित रामकृष्ण, बिना विलंब से। क्षमा करें महाराज, किंतु वो स्वर्ण पात्र जो मिथिला नरेश ने उपहार स्वरूप दिया था वो चोरी हो गया। क्या? इसमें मेरा कोई दोष नहीं है महाराज, वो अत्यंत ही चतुर चालाक चोर है, और मात्र मेरे ही घर से नहीं, गुरुवर के घर से भी चोरी हुई है। उनके तो सभी वस्त्र चोरी हो गए महाराज। गुरुवर के घर भी चोरी? हाँ, ये देखिए, वस्त्रहीन दरबार में नहीं आ सकते थे, कदाचित इसी कारण उपस्थित नहीं हुए बेचारे। चाहे आंधी आ जाए या तूफान, विजयनगर राज्य के राजगुरु तथाचार्य को दरबार में आने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। हमारे सभी वस्त्र चोरी हो गए, परंतु हम फिर भी दरबार में आए। एकमात्र ये धोती बची थी महाराज, हमारी पारिवारिक धरोहर, हमारे दादा परदादा की धोती, और इस धोती को भी एक दुष्ट वानर ने फाड़ दिया, परंतु हम फटी हुई धोती पहनकर चले आए। महाराज, हमने अपनी समस्त प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, क्योंकि हमारे लिए राजधर्म सबसे श्रेष्ठ है महाराज।
हम अपने कर्तव्य को समझते हैं महाराज, इसीलिए हम विजयनगर राज्य के सबसे विश्वास पात्र और कर्तव्य परायण नागरिक हैं। अवश्य गुरुवर, अवश्य आप हैं। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। धन्यवाद महाराज। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारे वस्त्र चोरी हुए हैं, हमारी निष्ठा नहीं। अद्भुत गुरुवर। कोतवाल महोदय, इन चोरियों के विषय में आपको कुछ ज्ञात है? महाराज, शांत शांत हो जाइए आप सब। क्या समस्या है आप सभी की? महाराज, मेरे सारे पुष्प चोरी हो गए हैं। महाराज, महाराज, मेरे संपूर्ण मिष्ठान भी चोरी हो गए। महाराज, मेरे सारे फल चोरी हो गए। मेरी दुकान से वस्त्र चुरा कर ले गया कोई। शांत हो जाइए, एक एक करके विस्तार में हमें बताइए। रुको, धूमकेतु। क्या हुआ मंत्रीवर? हमें एक आवश्यक कार्य करना है। झाड़ियां प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तुम यहीं रुको और संदूक पे दृष्टि रखो। इस संदूक में बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, जिसे कुशलता पूर्वक हमें विजयनगर महारानी चिन्ना देवी जी तक पहुंचाना है। हमें ज्ञात है मंत्रीवर, आप निश्चिंत रहें। मंत्रीवर, मंत्रीवर, आप आज्ञा दें तो मैं निकट आऊं। आऊं? आप चिंतित ना हो, मैं भी आपका उपचार करता हूं। क्षमा कीजिएगा। विजयनगर राज्य में चोरी की इतनी घटनाएं, वो भी सब एक साथ, आश्चर्य की बात है। हाँ महाराज, फल वाले के साथ हुई घटना का तो मैं स्वयं साक्षी हूँ। सब कुछ मेरी आंखों के समक्ष ही हुआ। मैंने स्वयं देखा कि इनकी दुकान से कैसे सारे फल क्षण भर में ही लुप्त हो गए। हमारे भी तो वस्त्र चोरी हुए हैं। और इसी प्रकार की घटना मेरे घर पर भी हुई महाराज। मिथिला नरेश ने भास्कर के लिए जो स्वर्ण पात्र भेंट स्वरूप दिया था, वो भी अचानक गायब हो गया। महाराज, ये जो कोई भी है अत्यंत ही चतुर चोर है, और ये समस्या हमारे विजयनगर के लिए अत्यंत ही गंभीर है महाराज। कोतवाल महोदय, इस विषय में कोई सूचना प्राप्त हुई आपको? अब कर क्या रहा है इस विषय में? महाराज, मैं अति शीघ्र ही जाकर उस चोर को पकड़ के आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। बस मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं भी उसी कार्य में जुट जाता हूँ। शीघ्र जाइए मंत्री। हाँ मंत्री जी। महाराज, उन चोरों को पकड़ने में कोतवाल की जितनी बन पड़े उतनी सहायता कीजिए।
जो आज्ञा महाराज। हमें वो चोर हमारे समक्ष चाहिए महाराज। आप सब निश्चिंत रहिए, उन चोरों को अवश्य पकड़ लिया जाएगा और आपकी वस्तुएं आपको पुनः दिला दी जाएगी। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महामंत्री जी। महाराज आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज प्रणाम, मैं शंभू राव। महाराज प्रणाम, मैं वैराज राव। प्रणाम, कहिए क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी। महाराज वैराज राव मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन इसे सदैव मेरे हरे भरे खेतों से ईर्ष्या रहती है, इसीलिए इसने अपने मवेशियों को मेरे यहाँ चरने के लिए भेज दिया। महाराज इससे मेरी सारी फसल नष्ट हो गई, मेरे संपूर्ण वर्ष की मेहनत एक पल में नष्ट हो गई। महाराज महाराज मेरे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं है। महाराज महाराज आप कोई निर्णय कीजिए। महाराज शंभुराव जी, आपको न्याय अवश्य मिलेगा और आप महोदय अपने पक्ष में कुछ कहना चाहेंगे आप। महाराज मैंने जानबूझ के मेरे मवेशी इनके खेत में नहीं छोड़े। महाराज जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मवेशी अबोध होते हैं, उन्हें भले बुरे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए उन्होंने इसके खेत की फसल नष्ट कर दी। महाराज इसमें मेरी कोई त्रुटि नहीं, जो कुछ भी हुआ अनभिज्ञता में हुआ। ये विवाद तो अत्यंत ही सरल है, इसके पूर्व की रामा इसे हल करे, हम इसका समाधान करके महाराज की दृष्टि में बुद्धिमान और न्यायप्रिय बन सकते हैं। हमारे विचार से इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए महाराज को व्यथित नहीं करना चाहिए। ये न्याय तो हम भी कर सकते हैं। न्याय चाहिए या ऐसे ही मुंह फाड़े खड़े रहने का विचार है। क्षमा गुरुवर। क्षमा गुरुवर। हाँ ठीक है। महाराज हमें इनका न्याय करने का अवसर प्रदान कीजिए। अवश्य गुरुवर। धन्यवाद महाराज। अच्छा सारी त्रुटि आपकी है वैराज राव महोदय, इसलिए हम निर्णय लेते हैं। महाराज के कहने पर निर्णय लेते हैं कि आपके सारे मवेशी शंभू राव महोदय को दे दिए जाने चाहिए सदा सदा के लिए। इससे जो शंभू राव को हानि हुई है उसकी पूर्ति हो जाएगी। महाराज मेरे मवेशी ही मेरे संपत्ति है, उनके अलावा मेरा कुछ नहीं है, मेरे मवेशी मुझसे मत छीनिए। आपको अपने मवेशियों को शंभूराव के खेत में छोड़ने से पूर्व ये सोचना चाहिए था वैराज राव महोदय। अति उत्तम, अति उत्तम, इसे कहते हैं न्याय गुरुवर। गुरुवर आज आपने पुनः सिद्ध कर दिया कि आप कितने न्याय प्रिय हैं। शांत हो जाइए आप सभी। क्या बात है पंडित रामकृष्ण, आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? आपको हमारे निर्णय पर कोई संदेह नहीं हो रहा है? पंडित रामकृष्णा जी महाराज, इस विषय में आप भी अपने विचार रख सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि इसमें यदि आपको न्याय देना होता तो आप क्या कहते। अवश्य ही पंडित रामकृष्णा हमारे विषय में विपरीत कहेगा, इसे तो अवसर चाहिए हमें अनुचित सिद्ध करने का।